टाटानगर से अमृतसर जाने वाली जालियांवाला बाग एक्सप्रेस को रेल प्रबंधन द्वारा 4 दिसंबर से लेकर 1 मार्च तक कुहासा को लेकर रद्द किया गया है। रेल प्रबंधन के इस निर्णय का सिख समाज के लोगों ने विरोध किया है। सिख समाज के लोगों ने टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंच स्टेशन डायरेक्टर से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा और इस निर्णय को वापस लेने की मांग की, अन्यथा उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान सिख समाज के लोगों ने टाटानगर रेलवे स्टेशन में प्रदर्शन कर रेल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री पर सिखों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। साथ ही इस संबंध में रेल प्रबंधन के इस निर्णय को जल्द से जल्द वापस लेने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। डिमांड तो हम लोग जलियांवाला ट्रेन पंजाब के अमृतसर के लिए जाती है, उसको हर एक साल कुहासा का बहाना लगा कैंसिल कर दिया जाता है। एक तरफ तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम सिखों को अपने बराबर बैठाते हैं, बहुत सी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ऐसे हम लोग को प्रतीत हो कि हम लोग का सौतेला व्यवहार किया जाता है। कल भी माननीय प्रधानमंत्री आए खूंटी में, 24,000 करोड़ का अनाउंस करके गए, लेकिन 3 लाख का लगभग सिखों की आबादी है, सिखों के लिए कोई अनाउंस नहीं हुआ। दर्द है हम लोग का, ट्रेन भी हम लोग की कैंसिल होती है, ऐसा क्यों होता है? इसलिए हम लोग आज यहाँ आए थे मिलने इनसे, इनको वार्निंग दे के जा रहे हैं कि इस बार हम लोग ट्रेन बंद नहीं होने देंगे, चाहे हम लोग को यहाँ धरना देना पड़े, पहले धरना देंगे नहीं फिर होगा फिर ट्रेन भी रोकना पड़े, तो इस बार हम लोग किसी हालत में ट्रेन बंद नहीं होने देंगे। जलियांवाला बाग एक्सप्रेस, बस वही हम जो आपको बताने जा रहा है कि ऐसा लगता है हम लोग सौतेला व्यवहार हो रहा है, हम लोग को बराबर नहीं देखा जा रहा। 3 लाख का आबादी है, 2 लाख जमशेदपुर में रहते हैं, ये तो बहाना है, एक बहाना है। हम लोगों को दिल का धड़कन है अमृतसर, और सिखों की सांस डाली है वो, उससे तोड़ा जाता है हम लोग को 3 महीने के लिए। आम आदमी कहाँ से जा पाएगा? हम लोग उसका बगैर हम लोग जिंदा नहीं रह पाते हैं अमृतसर जाए बगैर। गरीब आदमी कैसे जाएगा जिसका पास ज़्यादा पैसा नहीं है? अमीर आदमी वो ट्रेन जहाज से चला जाएगा। ये अभी बोले हैं कि हम लोग अभी आगे ऊपर एक हफ्ता में रिपोर्ट देंगे, नहीं होती है चालू, नहीं तो आपको बताएं ना, आंदोलन करेंगे। न्यूज़ विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।